ਰੇਡੀਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੰਮੂ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਓ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਵਰ ਬਦ ਅਣਵਾਨੀ ਦੀ ਲਾਣਤ ਕੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋ ਰਸਤੋ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾ ਨਵਾਂ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ जमू कश्मीर का आला चुनाव अफसर ने बलदियाती चुनाव वास्ते फरिस्त राय दहिंदगान दौ हजार त्रई की खसूसी नज़रसानी करण की धरती बम तब्ली की है तो हंतबी फरिस्त नती अगस्त शाया की जगी अमरनाथ या यात्रियां गो एक का काफलो जम्मू बुनियादी कैंप ते अमरनाथ गुफा रवाना हुआ है वज़र अजम नरेंद्र मोदी ने आज क्यों है कि रिश्वत खोरी नाल सब दो ज़्यादा गरीब लोग मुतासर हो रहे हैं उन्होंने क्यों है कि रिश्वत संग ज़राया का इस्तेमाल मंडिया में खुलते दीगर खिदमत जैसी सहूलियात में मुश्किल ने आम तरीब अवाम ना मुतासर कि है वजीर अज़म ग्रुप बी मुल्कों की रिश्वत मुखालफ वज़रा मीटिंग संघ वीडियो कानफ्रेंसिंग के जरिए ख़ाब कर रहा था तो यह मीटिंग कलकत्ता मां मनद की गई थी उन्होंने कहवा हम लालच तो बचना चाहिए क्योंकि लालच सच रामा की रामा रोडो अड़कावे उ सरकार की जिम्मेदारी बने ज मुल्क में मौजूद जराया ना जायज इस्तेमाल कर गए अवाम की फलाना मजीद मजबूत बनावे भारत में रिश्वत के खिलाफ सख्त पॉलिसी हैं तो मुल्क टेक्नोलॉजी टेक्नालोजी ई गवर्नेस जैसे प्लेटफार्म पर काम कर गए मुल्क में जिम्मेदारी शफाफीत को माहौल पैदा कर रही है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਹੀ ਸਕੀਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬਾ ਮਾ ਪੈਦਾ ਖੇਲਾਣਾ ਦੂਰ ਕੀ ਉਜਾਰੇ ਵੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾ ਮੁਲਕ ਕਾ ਕਰੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਮਾ 366 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਮਤੀ ਰਕਮ ਬਰਾਈ ਰਸਤੇ ਵਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ दो हज़ार अठारह का इकतसादी मुजरमा बारे एक्ट गा नफाज़ को जिक्र करता करताव उन्होंने क्यों जी हकूमत माशी मुजरमों को पिछु बड़ी सख्ती संग कर रही है तो ऐसा मुजरमा का कब्जा तें एक इशारिया अट्ठ बिलियन डालर की जायदाद भी जब्त की जाएगी उन्होंने है का नाजायज लेन देन की रोकथाम बारे एक्ट ने दो हज़ार चौदह तें हूँ ताली मुजरमें का असासा तें बारह बिलियन डालर से मती मालीयियत का असासा जब्तगन्मा मदद की है वजीर अजम ने जोर देकर कहो है जो ग्रुप भी मुल्क की सजी कोशिश न बदअनवानी के खिलाफ अच्छी जंग लड़ी जा सै मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में कुदरती तरीक़ा खेतीबाड़ी की सूरत में एक होर सब्ज़ इनकलाब की लौड़ है जिसको मकसद खेतीबाड़ी के काबिल जमीन न कट होने बचा तेहतरीन यकीनी बनाऊ चाहिए गांधीधाम अज इफको न्यू यूरिया प्लानुनी पत्थर रखबाद उतरे इजमा ख़ताब करता हाँ जनाब शाह ने कहोजे नवं सब्ज़ इनकलाब को मकसद त्रै बुनियादी मकासद ना पूर्व करूँ जिसमें खुराक की पैदावार खुद कफालत किसाना की खुशहाली शामिल होनी चाहिए जनाब अमित शाह अपने आबाई रियासत गुजरात का दो रोज़ा दौरा के दौरान भारतीय सरहदी फ़ौज बी एस एफ का बख बरियातीजेक्टों को अफ्ती करेंगा। भारतीय फिजाइय ने पाकिस्तान से चीन से पैदा होने खतरात संघ वास्ते श्रीनगर हवाई अड्डा पर अपग्रेड मिग उन्तरी एक एकडड तैनात की हो है जराया ने दस है कि यो स्काड जिसना हम शिमाल रखवाला का ना नाल भी जाने जाए जो श्रीनगर हवाई अड्डा पर पाकिस्तान के हिफाजत तैनातशुदा मिग इक्कीड की जगह लो जराया ने यो भी दस्य मिग उन्तत्तरी स्काड को फजा तजा से फ़जा की धरती पर मार करने वाला हालात के अलावा तनाज़ा दौरा दुश्मन का तैयार सलाहियत नजाम जाम करने वालों निज़ाम भी मौजूद है डायरेक्टर बुराए बागबानी जम्मू तो ज़िला इंतजामिया रियासी की संजयली नाल ज़िला में अज किसान नुमाइश मेला को निकाद क्यूगे हो याद रहे यो मेलो आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही मुहिम मेरी माटी मेरा देश के तहत मुनदद कि उ है ज़िला तरकती कमिश्नर बबीला रखवाल ने इस मेला कोई इफ्त की होते इस मौका पर उन्होंने तमाम महकमा का मुलाजमीन पर जोर दतो जब वे रल मिल गए किसाना की फलाहते कम करें इस मौका पर जरात बागबानी ਫੁੱਲਬਾਨੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮਸਨੂਆਤ ਕੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰਿਆਸੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਓ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥੀ ਮੇਲਾ ਮਾ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਰੇਲੂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੀਵਨਾ ਮੈਸ਼ ਗੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਵਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਮਾਂ ਡੀਸੀ ਰਿਆਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ आज हमने ये जो किसान मेला कम ऑन्तरप्रोश मेला जो जिसको हम बोलते हैं उद्यमशीलता जो आपने पढ़ा है उसका आयोजन किया है जितने भी हमारे फार्मर्स हैं जुड़े हुए हैं अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको एक मौका दिया जा रहा है यहाँ पर आके अपना डिस्प्ले करें प्रोडक्ट्स एक दूसरे से सीख के जाए और साथ साथ में क्या क्या सब्सिडीज जो सरकार ने रखी हुई है जिसका वो यूज कर सकते हैं फायदा ले सकते हैं और अपनी क्रॉप को एनहस कर सकते हैं और हॉर्टिकल्चर में बहुत काम हो रहा है अब आप देख रहे हैं किस तरह के फ्रूट्स लोग लगा रहे हैं अब सिर्फ है अपस्केलिंग करने की जरूरत है और उस अब स्केलिंग के लिए डिपार्टमेंट की क्या इंटरवेंशन रहेगी क्या सपोर्ट रहेगी वही के फार्मर्स आकर देख सकते हैं भारतीय फौज ने अज कबज़ा लिगे ने जिला पुंछ का दिगवार सेक्टर में बच्चों की एक रैली इस दुशवार गुजार सरहद इलाका मुकामी लोगों ने बच्चों वास्ते ऐसी तकरीब मनद करा फौज की तारीफ की है सरकारी हाई स्कूल दिगवार के हेडमास्टर गुरमीत कौर ने आकाशवाणी गल करता व इस तरह क्यों आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो स्कूल था वो भी इसका हिस्सा बना इस प्रोग्राम के बारे में यही मैं कहना चाहती हूँ कि पहले जो हालात थे और आज के हालात इनमें जमीन आसमान का फर्क है और ये सब जो है वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है की वजह से ही हुआ है और जो हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे तैनात है उनकी कोशिशों की वजह से ही आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं बॉर्डर के एरिया में और यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े नहीं हो सकते थे और अनसेफ थे हम लेकिन आज जो है वो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं जम्मू कश्मीर का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने मुंसिपल कॉर्पोरेशन कौंसल कमेटियों इंतामी फहरिस्त दो हज़ार त्रई की खसूसी नज़रसानी करने पी अगस्त तत्तरी अगस्त तक का शेड्यूल पर नज़रसानी की है नव शेड्यूल के मुताबिक दवा के एतराज़ जमा आखिरी तारीख अठारह अगस्त तोसी की गई है जदक च चुनाव मरकजा पर खसूस कैंप पड़क तेरह अगस्त त लाया जीगा और दवा तो एतराजात गो बई अगस्त नाल भी की उजेगो याद रलदियाती इंतारी फहरिस्त हतमी फहरिस्त हुई छब्बी अगस्त

कोलाघाटमा क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद का इफ्तिता के दौरान भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नाल वर्चुअल तरीका संग किताब करया था। वजीराजम ने मुखालफ पार्टियां ना निशान बनातम कि जेबी मणिपुर मामला बरत बादल ख्याल नहीं चमे था। उन्होंने मगर मगर भी बंगाल में इस वक्त एकतदार मात्रिनमूल कांग्रेस ना ब बं, मगरबे बंगाल में हाल ही महवा पंचायत चुनाव निशानो बनाएयो। इस इचिता का मौका पर बीजेपी सदर जेपी नडाव तो मौजूद था ते वे इत बीजेपी की ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਨਕਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਇਂਦਾ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ੋ ਲੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਤੇ ਬਾਦ ਸਵੇਲੇ 915 ਯਾਤਰੀ ਜੰਮੂ ਦਾ ਭਗਵਤੀਨਗਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਵਾਣਾ ਹੁਆ ਜ਼ਰਾਇ ਨੇ ਦੱਸਿਓ ਹੈ ਜੇ ਮਜ਼ਕੂਰ ਯਾਤਰੀ 33 ਗੜੀਆਂ ਮਾ ਅਜ ਸਰਗੀ 3:30 ਵਜਾ ਤੇ 4:00 ਬਜਾ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਦਵਸਤ ਮਾ ਅਰਵਾਣਾ ਹੁਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 675 ਯਾਤਰੀ ਜਿਨ ਮਾ 97 ਕਾਰਸਰੀ ਜੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਤਰੇ ਸਾਧਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪੈਲਗਮ ਅਨਤਨਾ ਗਾਲੇ ਰਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 240 ਯਾਤਰੀ ਗੰਦਰਵਲ ਬਾਲਟਾ ਲਾਲੇ ਰਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾਇਨ ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਇਜ ਰਵਾਂਸਾਲ ਬਾੜਤਿਆੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ માં 431000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਸ਼੍ਰਾਇਨ ਸਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ 3880 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਤੋ ਤਕ ਪੂਜਣਗਾ ਦੂਰਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਰਵਾਈਤੀ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂਨਵਨ ਪੈਲਗਾਮ ਤੇ ਦੂਜੋ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਲਟਾਲ ਅਲੋ ਰਸਤੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾ ਅਮਲਾ ਕੀ ਕਿਲਤ ਗਾਮ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਨਿਵਣਨ ਖਾਤਰ ਯੂਟੀ ਕਾ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਮਾ ਤਦ੍ਰਿਸੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਾਸਤੇ ਮੈਕ ਮੁਤਾਲੀਮ 748 ਕਲਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ कोऑर्डिनेटर कआर्डीनेटर्स आरजी तौर पर तैनात करेगो जम्मू का मारा आकाशवाणी ग नवानिगार ने खबर तुरी है जे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इस सिलसिला में नोटिफिकेशन जारी कर दी है ते जे क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर एक साल की मुद्दत वास्ते आरजी तौर पर हाई त हायर सेकेंडरी स्कूल में लाया जाएगा इस असमी उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना लाजमी है उम्मीदवार की उम्र चाली बर जहां इस तिथि कट होनी चाहिए तो इस सिलसिले में درخواست जमाकरण की आखिरी तारीख भी अगस्त 2023 मुकरर की गई है इसके नाली गोजरी खबरें को यह बिल्टिन मुकयो